हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे बैटमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज का जो ब्रेकिंग अपडेट है कि फाइनली हमें बैटमैन देखने को मिलेगा डीसीयू यूनिवर्स में। अब आप कहोगे कि भाई कौन सा बैटमैन, क्योंकि मैंने अभी टाइटल या थंबनेल में रिवील नहीं करा है। तो आपको बता दूं कि अब तक डीसी में 3 बैटमैन प्रेजेंट में चल रहे हैं, जिसमें कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, जिसकी एक मूवी आ चुकी है और 2 मूवी आना भी बाकी है। उससे पहले माइकल कीटन का, जो कि काफ़ी टाइम पहले प्ले कर चुके थे और दोबारा से फ्लैश मूवी में रिटर्न हो रहे हैं। फिर इससे पहले 3rd बैटमैन था जो हमारा, वो था जस्टिस लीग वाला बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाला, यानी कि बेन अफ्लेक का। तो इन तीनों में से एक बैटमैन रिटर्न हो रहा है, जो कि आज का ब्रेकिंग अपडेट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताता हूँ कि फाइनली बेन अफ्लेक रिटर्न हो रहे हैं एज बैटमैन के रोल के लिए। उन्होंने पहले रिवील करा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए रिटर्न नहीं होंगे, पर आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला है, क्योंकि ये रिटर्न हो रहे हैं और ऑफिशियली कंफर्म करा है जेसन मोवा ने। जी हाँ, ये कोई भी डीसी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है। अब जेसन मोवा ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला कि फाइनली आर्थर मीट विद वैन, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं और कुछ एक्स्ट्रा शूट करे गए हैं बेन अफ्लेक के साथ, वो भी बैटमैन के रोल के लिए। तो ये मेरे लिए फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो फैंस, जो कि डीसी के डाई हार्ड फैंस हैं, जो कि हेनरी कैवल का एज सुपरमैन के लिए इंतजार कर रहे थे कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में उनका रिटर्न होगा, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। बट आज के दिन बेन अफ्लेक का कन्फर्म हो चुका है कि वो एक्वामैन लॉस्ट ऑफ किंगडम में रिटर्न होने वाले हैं एज बैटमैन के लिए। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ब्रेकिंग अपडेट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Hello।